पब्लिक टीवी आपकी आवाज। इंसानियत वेलफेयर द्वारा कलेक्ट्रेट पर उपवास रखकर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। समिति के अध्यक्ष ने कहा कि पुलवामा में 42 सैनिकों को धोखे से बम विस्फोट कर शहीद किया वह निंदनीय है। उसी से आहत होकर समिति के कार्यकर्ताओं ने एक दिन का उपवास रखकर शहीदों को नमन किया। जैसे शहीदों के परिवार में किसी सदस्य ने एक भी निवाला नहीं खाया होगा, उसी गम को महसूस करते हुए समिति ने भी आज उपवास रखा है और श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान इंसानियत वेलफेयर के सदस्य भारी संख्या में उपस्थित रहे। मेरा नाम राशिद सैफी है और मैं इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। देखिए, आज हम यहाँ कलेक्ट्रेट पर जो बैठे हैं अपने सभी साथियों के साथ, इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी के सभी साथियों के साथ, हम एक दिन के उपवास पर बैठे हैं, यानी कि हमने एक दिन का रोज़ा रखा है, बाकायदा जैसे रमज़ान में रखा जाता है। तो ये उपवास हमने ये रोज़ा इसलिए रखा है कि पुलवामा में जो हमला हुआ है हमारे वीर सैनिकों के ऊपर और जो शहीद हुए हैं उनकी, उस हमले में शहीद जिन माओं के वो बेटे थे, जिन बहनों के वो भाई थे और जिन पत्नियों के वो पति थे, जिन मासूम बच्चों के वो पिता थे, उन सभी के परिजन जो हैं, उनकी माएँ, उनकी बहनें, उनकी पत्नियां और उनके बच्चे, उन सभी ने भी एक निवाला भी उनके घलक से पेट के अंदर नहीं गया होगा रोटी का, और ना ही कोई पानी की बूंद उनके हलक से नीचे उतरी होगी। तो उनकी इसी भूख और प्यास को महसूस करने के लिए, उनके इस दुख और दर्द को हम कम तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम साझा कर सकते हैं, उसको हम महसूस कर सकते हैं, उसको एहसास कर सकते हैं। इसी भूख और उनकी प्यास को महसूस करने के लिए हमने आज एक दिन का ये उपवास रखा है। यहाँ पर हम लोग बैठे हैं सुबह से, सहरी खाने के बाद में हम जो है शाम तक यहाँ बैठेंगे, और इसीलिए हमने ये उपवास रखा है कि वो जो जवान शहीद हुए, उन जवानों ने अपनी जान गंवाई हम देशवासियों की खातिर, हम देशवासियों की खातिर वो वहाँ पर शहीद हुए। तो आज उनके परिवार वाले अगर भूखे प्यासे बैठे हैं, रो रहे हैं, तो हमें उनके उस भूख प्यास में शामिल होना है, उनका दर्द साझा करना है। पूरा देश उनके साथ खड़ा है और शहर मुरादाबाद के बहुत वरिष्ठ लोग, सभी लोग हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग उपवास कर बैठे हैं। और इसी के साथ साथ हमने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से एक ज्ञापन भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है, और उसमें हमने ये मांग की है कि जल्द से जल्द इस हमले के जिम्मेदार लोगों को, जो आतंकी हैं या उनके आका हैं, उनको, उनके खिलाफ जल्द से जल्द आवश्यक और उचित कार्रवाई की